आज हम डिस्कस करने वाले हैं टीवाई बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, डेट इज़ द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या होता है, इसके ऊपर हम लोगों ने ऑलरेडी पार्ट वन का वीडियो अपलोड की है। अगर वो वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ उस वीडियो को देखना। उसमें हम लोगों ने दो क्वेश्चन कवर किए, फीचर्स एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। तो वो अगर वीडियो देखोगे तो शायद से ये वीडियो और आपको ईजी लगेगा। फंक्शन का मतलब यहाँ पे होता है मार्केटिंग में काम क्या क्या होते, कौन से वर्क होते। सबसे पहला मार्केटिंग रिसर्च करना पड़ेगा मुझे, फंक्शन सबसे पहला मार्केटिंग करना है तो मार्केट को सर्च करो भाई, रिसर्च करो क्या हो रहा है मार्केट में, कंज्यूमर को क्या रिक्वायरमेंट है, डीलर को क्या रिक्वायरमेंट है। आपकी एक ब्रांडिंग होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ब्रांडिंग होना चाहिए। देन एडवर्टाइजमेंट, सबसे मेन काम तो एडवर्टाइजमेंट होता है। मार्केटिंग मतलब लोगों को लगता है एडवर्टाइजमेंट, और ये सच है, एडवर्टाइजमेंट करना ज़रूरी है, ये एक हिस्सा है। प्रोडक्ट डिज़ाइन भी एक क्या है, फंक्शन है, मतलब कौन से टाइप का प्रोडक्ट होना चाहिए, उसकी डिज़ाइन कैसी होना चाहिए, लोगों में क्रिएट कैसा होना चाहिए। देखो हर एक मोबाइल का अपना अपना डिज़ाइन होता है, हर एक अलग अलग चीज़ों का अपना प्रोडक्ट का डिज़ाइन बहुत अच्छा होना चाहिए। ये किसकी ज़िम्मेदारी होती है, मार्केटिंग की। आफ्टर सेल सर्विस भी किस में कवर होता है, तुम्हारा मार्केटिंग। अगर मार्केटिंग कंपनी का अच्छा नहीं है तो आफ्टर सेल सर्विस प्रॉपर, ताकि तुम अगर कस्टमर को रिपीट खरीदना चाहते हो, जैसे कि एक बार मैंने MI का मोबाइल ले लिया हो, अगर मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी कंपनी का फिर से मैं लूँ, तो मैं कब लूँगा, जब मुझे उसकी आफ्टर सेल सर्विस मिलेगी। ये आफ्टर सेल सर्विस किसके अंडर आती है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर आती है। किसके अंदर आती है, ताकि अगर मेरा मोबाइल ख़राब हो गया, वारंटी में था, अगर मुझे सर्विस प्रॉपर नहीं मिली तो मैं क्या किसी को सजेस्ट करूँगा, गलती से भी रेडमी का मोबाइल मत लेना, सस्ता तो देता है लेकिन सर्विस। आदमी इलेक्ट्रॉनिक अगर प्रोडक्ट करता है भाई, तो सबसे पहले सोचता आफ्टर सेल सर्विस प्रॉपर मिलेगी क्या नहीं। देन आपका आता है सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन कैसा कर सकते हैं, बायबैक ऑफर देते, जैसे बड़ी बड़ी कंपनी देती है कि जूना लेके आओ, वो सब लेके जाओ, बैंडेड और कम्बो प्रोडक्ट, इसके साथ में ये सब आपको बहुत सस्ता मिलेगा, कूपन और कैश वाउचर, जैसे मॉल में ज़्यादा करते, ठीक है। डिस्काउंट्स होते हैं, जैसे दिवाली आ जाएगी 30%, मनसून ऑफर या क्लियरेंस स्टॉक, एक्सचेंज ऑफर होता है, फ्री सैंपल्स, फ्री गिफ्ट्स होते हैं, गारंटी वारंटी में तो लोग भरोसा करते हैं, जितना तुम गारंटी वारंटी दोगे उतना मार्केटिंग तुम्हारा अच्छा रहेगा। सेल्समैनशिप, पर्सनल सेलिंग, देखो मार्केटिंग है, जैसे हम लोग कुछ भी बाय करते बोलते क्या मार्केटिंग कर रहा है, मार्केटिंग मतलब एक सेल्समैनशिप कर रहा है वो, उसमें क्या होना चाहिए, प्रमोटिंग कर रहा है। पर्सनल सेलिंग, प्रॉपर सिलेक्शन किसको करना है, आदमी कौन सा होना चाहिए सेल्समैन, ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्केटिंग में आता है। प्राइस, तुमको अपने प्रोडक्ट का कॉस्ट कैसा रखना है, कौन सा प्रोडक्ट है आपका, कौन बाई करने वाला है, ये सारी चीज़ें। कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्शन, कितना खर्चा होने वाला है, कंपटीशन कितना है, कॉर्पोरेट इमेज रहेगी तभी तो महंगा। आज आईफोन इतना महंगा क्यों है, उसकी मार्केट में ना इमेज बहुत है वो, ठीक है। बाकी मोबाइल में भी वही काम होता है, थोड़ा सा 19-20 होता है, अच्छा 18-20 होता है, लेकिन प्राइस में कैसा हो रहा है, 20 और 2 होता है, मतलब जो मुझे 25,000 के मोबाइल में मिल जाए मुझे 1.5 लाख रुपये देना पड़ता है, जमीन आसमान का फ़र्क है। तो ये कॉर्पोरेट इमेज की वजह से, तुम्हारे कस्टमर कौन है इसके हिसाब से भी तुमको प्राइस सेट करना पड़ता है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, तुम अपने प्रोडक्ट को कैसे सेल कर रहे हो, डायरेक्ट बना के तुम अपने कस्टमर को भेज रहे हो, क्या डीलरशिप से जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये सब चीज़ें भी मैटर करती है। देन कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ऐसे तो बहुत सारे, तुमको सिर्फ कितने याद करने हैं, 7 याद करने हैं, और पॉइंट को कैसे याद करना है इसका हम लोग ने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखे हो तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देख लेना, और अंदर का जो मैंने बताया ना, एटलीस्ट 1-1 लाइन भी अगर एकदम डिप्टो याद करते हो या तो समझो। देखो मुझे समझाने के कितना मिनट लगा, हार्डली 5 मिनट्स लगा। अगर आप 2 घंटे को भी अगर एक चैप्टर देते हो तो इजीली आपके 8 घंटे में कवर हो जाते हैं सारे आंसर, तो बिकॉज हम लोग ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी ऑलरेडी वीडियो अपलोड किए हैं। सो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, एक हमारा व्हाट्सएप में ग्रुप है TYBCOM करके, अगर आप ऐड होना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और वीडियो अच्छी लगी तो फिर से बोल रहा लाइक, और पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।